हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज एक सरप्राइज है एक्चुअली। नानी नाना को कुछ काम है तो वो लोग बाहर जा रहे हैं, तो उनके साथ पहले मम्मा जाने वाली थी बट मम्मा का प्लान कैंसिल हो गया ड्यू टू सम इशू, तो अभी उनके साथ मैं जा रही हूँ। तो आज आप लोग देखोगे हमारी जो भी जर्नी है वो आज का व्लॉग उसी रिगार्डिंग होगा। तो अभी मैं मेरे को फटाफट पैकिंग करनी है बिकॉज ये एक सडन ट्रिप थी, तो मेरी कोई भी तैयारी नहीं है, ना मेरी पैकिंग हुई है, ना मैं खुद तैयार हुई हूँ। और अभी फटाफट करना है सबको जल्दी जल्दी। देखो हमारे ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, मम्मा काम कर रही हैं, नानी माँ भी तैयार हो रही हैं, मैं भी पैकिंग कर लेती हूँ और बहुत ज़्यादा काम है। पैंथी अभी बहुत परेशान हो चुका है क्योंकि मैंने उसको बोल दिया था एक बार कि इतना साइड सा बैठा होता, तो मैंने उसको बोल दिया कि तुझे छोड़कर आएंगे, तू बहुत शैतानी करने लगा है। तो अब उसे यही लग रहा है कि वो जा रहा है और हम सब वैसे भी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को जाना है, तो बेचारा बहुत बहुत सैड है और सबको मना रहा है कि मेरे को मत छोड़ कर आओ। डाउन बहुत परेशान है ये। तुम्हें थोड़ी थोड़ी नहीं जा रही, नानी जा रही, मैं जा रही अपने घर जा रही है, नानी माँ घर जा रही है और बीजे पैंती को भी छोड़ देंगे। देखो कतई नीचे पैंती को छोड़ दो, निकल जाना, पैंती हाँ। पहुंचा देना वहाँ पे। पैंती जाएगा? पैंती बहुत शैतान हो चुका है, नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। पैंती जा रहा है, जाएगा आज पैंती, भगा दूंगी घर से पैंती को, बहुत तंग करने लगा है। कोई बताओ तो जाऊंगा नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा वो, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, भेज दूंगी इसको, यहाँ नहीं रुकेगा। हेलो करो। तो मैं नहा चुकी हूँ, तैयार हो गई हूँ और बस अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। मैंने सारी पैकिंग कर ली है, मैंने खाना बना लिया है, बस थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे, आपको सारी जर्नी दिखाएंगे। मम्मा खा रही हो अभी, थोड़ी देर में लगा दिया क्या आपने, लगा दिया आपने? ठीक है, आ रही हूँ मैं। और ये मिस्टी मेरे से गुस्सा है आज, मिस्टी मेरे से बहुत गुस्सा है आज, मेरे से बात ही नहीं कर रही है बिल्कुल ही। ये कल मेरे से कह रही थी कि खाना खा लो और मैंने खाना नहीं खाया, मेरे से गुस्सा हो गई है मिस्टी, सॉरी। मम्मा मिस्टी मेरे से बात नहीं कर रही, मम्मा मिस्टी को समझाओ, मम्मा जाते हुए किसी से गुस्सा नहीं होते है, हाँ गुस्सा नहीं होगी वो, जाते हुए मिस्टी गुस्सा नहीं होते है। She is more intelligent than you. हैं? है तो मिस्टी पोपट हो गया है यहाँ, तो समझाने की जरूरत नहीं है, बात कर ले। ठीक है। क्या ठीक है? बहुत इग्नोर मार रही है मिस्टी, मुझे बहुत इग्नोर मार रही है। बच्चे को हवा नहीं लगती है ना, तो अभी रुक जाओ ना, बच्चे की हवा थोड़ी होगी। तो बात करना प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी, अच्छा अगली बार से नहीं करूंगी। आपने भी कल मेरी बात नहीं मान रहा है, अरे सॉरी। हाँ कर रहे हैं, मैं क्या है कि छोड़ दिया, मैं बनाना पड़ रही हूँ। हेलो हेलो बोलो पैंती। तो अभी बस हम बाहर आ गए हैं, ये हम कार में बस सब लोग बैठ चुके हैं और अभी हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। ये देखो सब लोग तैयारी करने लगे हैं, नाना जी बैठ चुके हैं, नाना जी बैठ चुके हैं और मम्मा ने भी बस सामान रखवा दिया है हमारा और हम बैठने जा रहे हैं। और ये भी अपना साइड पर्स ले लो। ओके हाँ, तो बस अभी हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। ये है मेरा पूरा लुक और आज मैं आपको पूरी जर्नी दिखाने वाली हूँ, आई थिंक काफी मजा आएगा। देखो नानी माँ, नानी माँ को दिखाओ, यशु हटो,
मेरी नानी को चोट लग गई होगी। आओ मिस्टर बैठो। चलो ठीक है मैं जा रही हूँ। ये बैग लाओ, बैग दो, फोन दे दो। बाय अम्मा। हाँ बच्चों ध्यान रखना। हाँ बाय, आराम से। बाय यीशु, मिस्टर बाय, इधर आ। कल भी जल्दी आना, मतलब टाइम से निकलना। हाँ, भाई ज्यादा से ज्यादा इसी टाइम तक। हाँ। अभी महुआ दाल भी जाने वगैरह, घर जाने में लेट हो जाओगे, आराम से जाओगे। अच्छा अच्छा ठीक है, भाई हम निकल चुके हैं। मैंने सीट बेल्ट लगा ली है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आ रहे थे ना कि हम छोड़ के चले जाएंगे, करेंगे वो करेंगे। हाँ, ये छोड़ आएंगे। हाँ। तो कह भी रहा था ना कि वहाँ छोड़ जाएंगे, चार तेरे घंटे पड़ेंगे। हाँ। तो तब से थोड़ा आराम से है, शैतानी निकल रहा है यहाँ। ये वाले पेड़ हैं जो नानी माँ को बहुत पसंद आ रहे हैं, तो अभी हमने गाड़ी रोक ली है और हम इसे निकाल लेते हैं। रख दिया है, चलो खुश अब। हाँ मम्मा के लिए देखिए, यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हैं। मैं अपने फेवरेट वाले ढाबे पे आ चुकी हूँ। एक्चुअली पता क्या हुआ, ओवरहाइट ही हो गया था मेरे को, मैं तो भूल ही गई थी यहाँ का रास्ता। वन ऑफ माय फेवरेट है, जब भी यहाँ से ट्रैवल करते हैं तो हम लोग यहीं पर ही रुकते हैं। यहाँ की चाय खाना वगैरह मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है। खाली खाली से शांत सी जगह है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं रास्ता ही भूल गई, मैं सोच रही थी मुझे लगता है भूल गई, मैंने देखा ही नहीं पीछे कहीं निकल गया। इतना ज़्यादा दुखी हो रही थी और मैंने सबको गारंटी दी थी यार आगे मिलेगा, आगे आगे ले चलो। मैं अभी पीछे रोका ही हूँ, यहाँ पे ये वाला एरिया मेरा यहाँ पे नहाने ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी कि आगे मिलेगा ही नहीं। हाँ मैं जा ही रही हूँ बस उधर की साइड। आओगे आप बाहर जाओ, अच्छा लगता है यार यहाँ पे, बहुत शांति शांति सा है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छी लगती है। हाँ। ये सब अच्छी लगती है और बिल्कुल शांत शांत सा माहौल होता है, सब अच्छा लगता है। ज़्यादा भीड़ का साथ। हाँ आप यहाँ गए थे, हम तभी यहीं पर रुके थे, मतलब कि अच्छा लगता है यहाँ पे, तो यहीं पर ही रुकते हैं तो अकेले में। अब कोरोना के टाइम पे ज़्यादा कोई इशू भी नहीं होता क्योंकि भीड़ ही नहीं है। वापस आ गए हैं और अभी हम निकलने वाले हैं बस। अभी हमने मस्त मस्त अमरूद ले लिए है रात में। हाँ फुल लो तब।
अभी बजे हैं शाम के 4:30 और अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं ना। हाँ, कितना टाइम और लगेगा? अभी एक घंटा में और लगेगा। तो कल सूख रहा था, मैं तो सो गई थी, मेरे को नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमने अभी कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए हैं। ब्यूटी देखो यार, आपको ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे गेट बन रहा है यू शेप का? भाई ये लड़ाई हो गई है बहुत ज्यादा। अभी हम आ गए हैं मंदिर में और इसको कहते हैं महुआ ताल, है ना नानी माँ? इनका मंदिर है ये, माता रानी का मंदिर है ये। और देखो ये ताल है, देखिए आपको तालाब है तो उसको ताल बोलते हैं। और ये मंदिर है तो महुआ माता का मंदिर है, इसका नाम है महुआ ताल। अभी हम प्रसाद लेकर आ गए हैं पहले ही बाहर से और गाड़ी हमने यहाँ पार्क करी है। और देखो वहाँ आंधी आई होगी तो पेड़ का क्या ही हाल हुआ है, पूरा का पूरा पेड़ गिर गया है। चलो अब हम अंदर चलते हुआ काल। और हम वैसे इसके दर्शन कल करने वाले थे बट अभी इस रास्ते से निकल रहे थे तो हमने सोचा आज ही कर लेते हैं, कल टाइम मिले या ना मिले तो हमने आज ही दर्शन करिए। और अभी हम घर पहुंचने वाले हैं, निकल चुके हैं हम रास्ते में हैं। कितना टाइम अभी और लगेगा यार? आधा घंटा अभी और लगेगा, आधे घंटे में हम घर पर होंगे, आराम से बेड पर पड़े होंगे, मज़ा आएगा। मैं ताल के पास खड़ी हैं, इसमें मछलियाँ हैं यार, इसमें मछलियाँ हैं छोटी छोटी। वाओ एकदम शांति है मंदिर में। हाथ ये रेत पहले देख के कमल के जाओ, बस यहीं पे यहीं पे। देखो मछलियों को खाना खिला रहे हैं, मछलियाँ है यार, मछली है। हाँ देखो खा रही हूँ, बस वो आटा डालो ना तो बहुत एकदम मुँह में लेती है। ब्यूटीफुल बनाओ, इधर बनाओ, इनके पास कितनी है। हाँ नानी माँ कैसा लगा? कब तक बड़ी नान जी कैसा लगा? हुआ काल। और हम वैसे इसके दर्शन कल करने वाले थे बट अभी इस रास्ते से निकल रहे थे तो हमने सोचा आज ही कर लेते हैं, कल टाइम मिले या ना मिले तो हमने आज ही दर्शन करिए। और अभी हम घर पहुंचने वाले हैं, निकल चुके हैं हम रास्ते में हैं। कितना टाइम अभी और लगेगा यार? आधा घंटा अभी और लगेगा, आधे घंटे में हम घर पर होंगे, आराम से बेड पर पड़े होंगे, मज़ा आएगा। ये सिंगापुर है, सिंगापुर है ना गाँव का नाम? नहीं हुआ? हाँ हाँ, इतना खूबसूरत सिंगापुर देखा है आपने? देखो नेचुरल एकदम। आगे क्या पड़ेगा? नाहिल। अच्छा
तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं और मैंने फटाफट चाय भी बना लिया है क्योंकि घर पूरा गंदा हो रखा था, सफाई वगैरह करके थोड़ी चाय बना ली है थोड़ा फ्रेश होने के लिए ना। तो अभी हम लोग चाय पी लेते हैं जल्दी से, बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत सारा काम है अभी फटाफट निपटाने हैं। रात का एक बज गया है और अभी हमने सारा सामान वगैरह समेटा है, पैकिंग करी है कल के लिए, तो कल हम निकल जाएंगे यहाँ से और सारा काम हो गया है, खाना पीना मैंने खा लिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, घर का मैं आपको कल दिखाऊंगी अगर टाइम मिला तो। तो व्लॉग फिनिश करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को व्लॉग को लाइक कर देना प्लीज़, एंड कमेंट तो ज़रूर करिएगा प्लीज़।